ये समझ कि किसी भी इंसान को एक अप्रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए, ये संस्कृति में गहरी समाई हुई है। क्योंकि ये ऐसा ही है कि अगर आप धरती में कोई पौधा लगाते हैं और वो धरती अच्छी है, तभी फल और फूल निकलेंगे। जिस धरती में वो पेड़ लगा हुआ है, अगर वो समृद्ध नहीं है, जीवन को थामे रखने के काबिल नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे। अगर वे आते भी हैं तो बहुत कम होंगे। पौधा कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, उस पौधे में कभी भी पूरी तरह फल नहीं आएंगे। इसलिए जीवन के इन पहलुओं को हमने हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी माना है। आप जो खाते हैं, आप जो काम करते हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, ये भी पूर्व के देशों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग हमेशा अपने घरों को उन उपायों से प्राण प्रतिष्ठित करते हैं जो वे जानते हैं, और सिर्फ तभी घर में प्रवेश करते हैं। अगर राजा समझदार और दयालु होते तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित करते। वे शहर में कई जगह ऐसी बनाते जिससे कि पूरा शहर प्रतिष्ठित हो जाता। वे चाहते थे कि सभी प्राण प्रतिष्ठित स्थानों में रहें, चाहे लोग सड़क पर चलते हों या बिजनेस करते हों, जो भी किसी शहर में रहते हैं उन सभी को लगातार प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेहतर मनुष्यों की पीढ़ियां पैदा करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्थान की जरूरत है, नहीं तो बस संयोग से या अपने खुद के दम पर कोई कुछ बन सकता है, पर आप शानदार लोगों की पीढ़ी नहीं पैदा कर पाएंगे। इस संस्कृति ने ज्ञान का भंडार पैदा किया है, आत्मज्ञानियों का एक सैलाब। हर पीढ़ी में ऐसा हुआ है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसे कुछ पहलुओं का ध्यान रखा। इस ग्रह पर किसी भी दूसरी जगह लोगों की किसी भी पीढ़ी ने ज्ञान की ऐसी ऊंचाइयों को नहीं छुआ जैसा कि इस संस्कृति ने छुआ। पर पिछले कुछ सौ सालों में सब बिखर गया। पिछले 800 से 900 सालों में ये बुरी तरह टूट गया, क्योंकि बाहरी हमले हुए और लोग अपनी जमीनें छोड़कर चले गए, और भी बहुत सी चीजें हुई। आप महान बुद्धि वाले मनुष्य, बहुत महान ऊर्जा वाले मनुष्य पैदा कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनमें असाधारण ऊर्जा बोध और बुद्धि और क्षमता हो। अगर आप प्रतिष्ठित स्थानों का बड़े स्तर पर निर्माण करते हैं, बड़े प्रतिष्ठित स्थान जहां लोगों की पूरी पीढ़ी वैसी ऊर्जा और स्थान के संपर्क में रह पाए, ये सौभाग्य लगभग हर परिवार को हासिल था। क्योंकि अपने घरों में प्रवेश करने से पहले वे ऐसा करते थे, समय समय पर अपने घर को प्रतिष्ठित करने के लिए वे कुछ करते थे। ये लगभग हर घर में होता था। हर घर में कम से कम साल में एक बार जरूरी अनुष्ठान और प्रक्रियाएं आयोजित होती थी, इसलिए कि घर का स्थान प्रतिष्ठित हो। ये एक बुनियादी समझ थी, या बल्कि एक जरूरी समझ थी कि एक मनुष्य को पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए एक मददगार माहौल कैसे पैदा किया जाए।